एमपी में मंचलों को युवती पर अश्लील कमेंट करना भारी पड़ गया। युवती ने मंचलों को चप्पल से जमकर पीटा। मामला छतरपुर के नौगांव का है। ढाबे में दो युवक खाना खाने आए थे। खाना खाने के बाद जब पेमेंट करने की बारी आई तो वे आनाकानी करने लगे। ढाबा संचालक की बहन भी उस दौरान काम में हाथ बटा रही थी। वो आई तो बदमाशों ने उस पर भी अश्लील कमेंट किए। ढाबा संचालक ने इसका विरोध किया तो बदमाश मारपीट पर उतार हो गए। इंदौर और आसपास पाए जाने वाले सफेद गिद्धों को गुजरात के रास्ते दुबई तक तस्करी कर भेजा जा रहा है। इनका यूज सेक्स पावर बढ़ाने वाली दवाओं में होता है। खाड़ी देशों में इन गिद्धों की डिमांड ज्यादा है। अरब देशों में लोग इन्हें पालते हैं। गिद्धों से जुड़ी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी वहां होती हैं। ये चौंकाने वाला खुलासा तस्करों से पूछताछ में हुआ है। सांसद ने सेक्स टॉर्शन की साजिश रचने की एफआईआर भोपाल के टीटी नगर थाने में 7 फरवरी को दर्ज कराई थी। भोपाल पुलिस ने सोमवार को भरतपुर के रहने वाले दो सगे भाइयों रवीन खान और वारिस खान को गिरफ्तार किया था। दोनों खेती करते हैं। दोनों भाई 8वीं और 10वीं तक पढ़े हैं। इसके बावजूद बेहद शातिर तरीके से साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं। पुलिस उनसे ये पूछताछ कर रही है कि सांसद के अलावा किन लोगों को वे ब्लैकमेल कर चुके हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव के बीच युद्ध की आशंका बढ़ने लगी है। ऐसे में लगभग सभी देशों ने अपने नागरिकों और छात्रों को यूक्रेन से वापस बुलाने के लिए एडवाइजरी जारी की है। दूतावास ने हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। देश भर के 20,000 बच्चे वहां पर हैं। इनमें मध्य प्रदेश के भी स्टूडेंट्स शामिल हैं। इंदौर से ही लगभग 50 से 60 छात्र हैं। मध्य प्रदेश में हिजाब विवाद थम नहीं रहा है। इंदौर, भोपाल, उज्जैन और दतिया के बाद अब नया मामला अशोकनगर के एक निजी विद्यालय में सामने आया है। यहां स्कूल की फेयरवेल पार्टी में हिजाब पहनकर आई छात्राओं को एंट्री नहीं दी गई। छात्राओं का आरोप है कि उन्हें रोककर बाकी सभी को अंदर जाने दिया गया है। करीब 2 घंटे तक छात्राएं स्कूल के बाहर ही बैठी रही। ये बात बाहर पहुंची तो स्कूल प्रबंधक सफाई देने लगा। स्कूल प्रबंधन ने कहा, रोकने जैसी कोई घटना नहीं हुई है। स्कूल पर ये झूठा आरोप लगाया जा रहा है। ग्वालियर में एक कार मालिक ने 8 साल की बच्ची को लाते मारी। वो दर्द से करहाती रही। उसकी मां छोड़ देने की गुहार लगाती रही, लेकिन कार मालिक रुका नहीं। बच्ची की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसके नाखून से कार पर स्क्रैच आ गया था। बच्ची और आरोपी पड़ोसी हैं। घटना गोला का मंदिर स्थित अमलतास कॉलोनी की बताई जा रही है। 2 दिन पुरानी इस घटना का वीडियो सामने आया है। कार मालिक बेरहमी से बच्ची को पीटते दिख रहा है। बेटी की चीखें सुनकर मां बचाने के लिए पहुंची। पुलिस ने आज मां और कार मालिक को थाने बुलाया है। EMS TV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही EMS News ऐप डाउनलोड करें।